आगे बढ़ेंगे, अब बाकी खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी हुई है। यूपी चुनाव 2022 में है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कवायद में जुट गई है। संगठन में जान फूंकने के इरादे से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ आज पहुंची हैं। प्रियंका गांधी यहां 3 दिन तक रहेंगी और चुनावी रणनीति आगे की क्या कुछ रहने वाली है, इस पर मंथन करने वाली हैं। प्रियंका गांधी के स्वागत में एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ दिखी, फूलमालाओं से स्वागत किया गया, ढोल नगाड़े बजाए गए। लखनऊ पहुंचकर प्रियंका गांधी ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और प्रदेश में फैले जंगल राज, पंचायत चुनाव में हुई हिंसा, महिला उत्पीड़न, कानून व्यवस्था जिस तरीके से है उसका जिक्र किया और अब 2 मिनट का मौन रखा। इन सभी मुद्दों को लेकर, प्रियंका के दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। वहीं दूसरी पार्टियों के नेताओं में दौरे को लेकर इससे हलचल भी तेज हो गई है। 2022 के चुनाव से पहले यूपी में सियासी सरगर्मियां तेज, प्रियंका गांधी का ये दौरा, विपक्ष इसे सिर्फ सैर सपाटा बता रहा है। महिलाओं के साथ खासकर बलात्कार, जिस तरह से घटनाएं हुई हैं यहाँ पर, उनके जो हम लोगों ने जो फुटेज देखे हैं, जो तस्वीरें देखी हैं, उससे आहत है प्रियंका जी। पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा देश आहत है। आज महात्मा गांधी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद वो मौन धरने पे बैठ गई। यूपी चुनाव 2022 को देखते हुए माहौल बनने लगा है। प्रियंका गांधी यूपी के दौरे पर हैं, 3 दिन का यह दौरा रहने वाला है। कांग्रेस को उम्मीद है कि उनके दौरे से पार्टी में नई जान आएगी। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कह रहे हैं कि चुनाव के साथ ही कुछ लोग सियासी तौर पर निकल आते हैं। प्रियंका गांधी जी लगातार सक्रिय हैं, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, सर अध्यक्ष हैं, उनके साथ बैठक करेंगी। फ्रंटल के जो हमारे यूथ NSUI सेवा दल और सभी जो हमारे महिला कांग्रेस के लोग हैं, उन लोगों के साथ बैठक करेंगी और निश्चित तौर से संगठन को और गति कैसे दिया जाए, 2022 का लक्ष्य कैसे हासिल किया जाए, वो मूल मंत्र भी देने का काम करेंगे। लोगों को राजनीतिक विरासत मिली हुई है, गद्दीधर उपलब्धियां उनके पास में है और पता चलता है कि जब चुनाव आता है तो लोग, जैसे गर्मी आती है तो घूमने के लिए नैनीताल और मंसूरी और हिमाचल प्रदेश चले जाते हैं, पता चला कि जाड़ा आया तो मुंबई या और कहीं चले जाते हैं। वैसे चुनाव आता है तो कुछ राजनीतिक घराने ऐसे हैं कि वो अपने टूर पे निकल पाते हैं, जो उनका टूरिज्म का उनका शौक है, पॉलिटिकल टूरिज्म, तो राजनीतिक पर्यटन यात्रा पर निकल पड़ते हैं। घर में बैठ के पूरे 5 वर्ष में 4.5 वर्ष तक वो ट्वीट करते हैं एयर कंडीशन कमरों से, और जब चुनाव आता है तो चुनाव लेकर कुछ नकली असली वादों के साथ, कुछ प्रलोभन के साथ, कुछ नई व्यवस्थाओं के साथ वो चुनावी मैदान में कूद पड़ते हैं। दिनेश शर्मा सीधे सीधे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए ये बयान दे रहे थे। आगे बढ़ते हुए बात इंडिया न्यूज की खबर के असर का करेंगे। इंडिया न्यूज की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। कबड्डी खिलाड़ी हरमनजीत की मदद करने के लिए खुद देश के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी सामने आए हैं। पंजाब की कबड्डी खिलाड़ी हरमनजीत ने देश विदेश में नाम रोशन किया, लेकिन इस वक्त वो गुर्बत की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। उनकी दास्तां बताने के साथ ही साथ इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत ने ट्वीट किया था और लिखा था कि हरमनजीत को मदद मिल जाए तो वो आज भी देश का नाम रोशन कर सकते हैं। गौतम अडानी जी, क्या आपकी कंपनी गुजरात कबड्डी टीम के तहत उनकी मदद हो सकती है, ये ट्वीट में लिखा था मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत ने। रीट्वीट करते हुए गौतम अडानी ने अब आश्वासन दिया है, कहा है कि हरमनजीत की मदद करना हमारा सौभाग्य होगा। और ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। ITV नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत ने कबड्डी खिलाड़ी की मदद के लिए ये इनिशिएटिव लिया और इस खबर को इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया भी था। और अब गौतम अडानी ने उसी ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए आश्वासन दिया है कि हरमनजीत की जो भी संभव मदद होगी हम करेंगे और इसके लिए हम खुद को सौभाग्यशाली समझते हैं। उधर रूपनगर के श्री आनंदपुर साहिब में रहने वाले हरमनजीत ने कबड्डी के खेल में अपनी जगह बनाई और खूब शोहरत पाई, लेकिन आज
दो वक्त की रोटी के लिए वो दर दर भटक रहे हैं। हरमनजीत आज बेरोजगार हैं, वहीं सही डाइट न मिलने से उनका वजन लगातार कम हो रहा है। इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से उनकी कहानी को दिखाया था और इस मामले में सरकार से दखल देने की अपील भी की थी। हमारी मुहिम रंग लाई, उद्योगपति गौतम अडानी ने अब उनकी मदद का भरोसा दिया है और कहा है कि भारत की मिट्टी से कबड्डी की खुशबू आती है, आती रहे और कबड्डी कबड्डी ये नारा बुलंद रहे। इसलिए हरमनजीत की जो भी मदद हो पाएगी वो हमारे जरिए की जाएगी। ये ट्वीट हम आपको गौतम अडानी का दिखा रहे हैं। कबड्डी मिट्टी की खुशबू है, भारत का रंग, भारतीय की ललकार है, हर खिलाड़ी कोचित सुविधाओं का अधिकार है। ऐसे में पंजाब के शेरदिल खिलाड़ी हरमनजीत को हम हर संभव मदद देंगे। इस जज्बे को प्रणाम है। हमारी टीम फॉर्चून जायंट्स इस प्रतिभाशाली युवा की हर संभव मदद करेगी। हरमनजीत सिंह ने इंडिया न्यूज और गौतम अडानी को धन्यवाद दिया है क्योंकि अभी गुर्बत की जीवन को वो जी रहे हैं, मदद मिले इसका आश्वासन उन्हें मिल गया है। कैसे धन्यवाद दिया आप सुनिए। सर जब मतलब कि पहले मैं खेलता था ना, तब होता था कि हाँ दूसरों प्लेयरों को देखता था कि हाँ कि उनको मतलब जब प्रो कबड्डी खेलते थे ना, वो मेडल लाते थे, मतलब नेशनल खेलते दो दो तीन तीन, तो उनको मतलब नौकरी मिल जाती थी। फिर मैं भी यही सोचता था कि चलो मैं भी कभी ना कभी खेलूँगा तो मेरे को भी नौकरी मिल जाएगी ना, तो चलो फिर वहाँ नहीं कुछ है ना किया, फिर मैं प्रो कबड्डी भी खेल के आया। भाई पंजाब सरकार को तो ये भी देखना चाहिए ना कि मतलब कि हमारे पंजाब में सिर्फ वो तीन ही प्लेयर हैं ना जो खेल रहे हैं प्रो कबड्डी, तो उसमें से हमारे को भी कोई अच्छी सी जॉब दी जाए ताकि हम अपना भविष्य आगे बढ़ा पाए। ऐसे कुछ हालात ऐसे हो गए थे, घर में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, उसके बाद इंडिया न्यूज़ वालों ने मेरा इंटरव्यू लिया, वो सभी लोगों ने देखा, सभी जगह वायरल हुआ उसके बाद। और मैं इनका बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ इंडिया न्यूज़ का, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। उसको देखने के बाद अडानी जी की टीम ने मेरी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की और वो मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका स्टार इंडिया न्यूज़ का और अडानी जी का मैं बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। और जितनी मैंने मेहनत की है उसके हिसाब से मेरे को अच्छी सी जॉब दे रहे हैं, तो उनका मैं बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। चलिए इसी खबर के साथ इंडिया रिपोर्टर में वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, लौटेंगे।